लहरें का कैमरा आ पहुंचा है महाबलेश्वर में, जहां प्रिंस एंड प्रिंस इंटरनेशनल और प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की फिल्म दिल का क्या कसूर की शूटिंग हो रही है। नदीम श्रवण की धुन पर दिव्या भारती और पृथ्वी को तालमेल में बांध रहे हैं दक्षिण भारत के डांस डायरेक्टर तरुण कुमार। फिल्म दिल का क्या कसूर के कैमरामैन डायरेक्टर हैं लॉरेंस डिसूजा। दिल का क्या कसूर के बारे में आप क्या सोचती हैं? आई थिंक फुल पिक्चर, उसका पूरा कैरेक्टर इतना अच्छा कि करते बड़ा अच्छा लगा। वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। इनफैक्ट मुकेश जी हमारे फैमिली फ्रेंड है, पुराने ताल्लुकात है हमारे, मेरे डैडी के साथ उनके, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मुकेश जी से। उन्होंने देखा मुझे और उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की। उन्होंने बोला कि आपको फिल्मों में काम करने का शौक़ है, तो मैं बॉम्बे में जाकर और भी फिल्में शुरू करना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं इस सिलसिला शुरू किया। साजन जैसी बेहद कामयाब फिल्म के बाद आपने अपनी अगली फिल्म दिल का क्या कसूर में नए कलाकार दिव्या भारती और पृथ्वी को चुना, और इन कलाकारों के बारे में कुछ बताइए। देखिए साजन बड़े स्टार कास्ट है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट में दम है। जब सब्जेक्ट अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, तो इसमें स्टार कास्ट नहीं देखा जाते हैं, और मैंने जो स्टार कास्ट चुने उनसे अच्छा काम मिला मेरे को, और जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं इनसे मतलब सेटिस्फाई हूँ। कुछ गाने हेल्पफुल होंगे ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके मेरे को लगता है कि कम से कम 4 या 5 गाने काफ़ी पावरफुल हैं, अच्छे हैं, और 4-5 गाने एक पिक्चर के लिए पावरफुल होना बहुत बड़ी बात है। गाना है जिस पर आपने बहुत पैसा खर्च किया शूटिंग करने में, जिसके लिए खास सेट लगाया हो, जिसके लिए बहुत कीमती ड्रेसेस आपने बनाई हो, महंगी ड्रेसेस बनाई हो, महंगी लोकेशंस आपने तलाश की हो, वो कौन सा गाना है? ये गाना है जिसमें ये लड़का स्टार बनता है, दिल जान जिगर मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। खैर वैसे तो मुझे काफ़ी मज़ा आया गाने के पिक्चराइजेशन के समय, लेकिन मुझे तकलीफ़ तो ज़्यादा नहीं हुई पिक्चराइजेशन के समय, क्योंकि हमारे फिल्म के जो डांस मास्टर हैं बी एस तरुण कुमार साहब, वो काफ़ी क्लोज है मेरे साथ में, हम लोग काफ़ी अच्छा रैपो शेयर करते हैं एक दूसरे से। बहुत से लोगों का कहना है कि साउथ से जो आजकल डांस मास्टर्स आ रहे हैं जी, वो काफी मतलब ओवर पावर भी कर लिया उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के, पुराने जो हमारे हिंदी के डांस मास्टर थे काफी घबराए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि साउथ से जो भी डांस मास्टर्स आ रहे हैं वो वही काम हिंदी फिल्मों में कर रहे हैं जो वो साउथ में कर चुके हैं, आप इस बारे में बताइए कुछ। नहीं, हिंदी का ट्रेंड अलग है सर, हिंदी का ट्रेंड कंपोजिशन सब अलग है, साउथ का आप उतना फास्ट कटिंग्स नहीं कर सकते हैं हिंदी में, बिकॉज हिंदी फिल्म्स में आजकल मतलब थोड़े दिनों के पहले से मेलोडियस हो चुकी है, ऑल द सॉन्ग्स हैव बिकम मेलोडियस, साउथ में मेलोडियस नहीं है, साउथ में थोड़ा हार्श है, और इतना मेलोडी कभी नहीं आ सकता है। आप इस फिल्म के रोल से, इस फिल्म के बनने से संतुष्ट हैं पूरी तरह से, या आपको लगता है कि नहीं इस फिल्म में और भी कुछ अच्छा किया जा सकता है? मैंने अभी तक इसके रशेस नहीं देखे, ना ही उसकी कॉपी देखी है। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई होप, बिकॉज इफ इट इज अ हिट आई विल गेट इट, आई विल बी हैविंग अ ट्रम्प कार्ड। मेरे हिसाब से मेरे लिए नेक्स्ट सिक्सर है, ये तो आप पिक्चर देख के आप बताइए, लेकिन मेरे को तो लगता है कि काफी अच्छी एक्टिंग की है हमारी पिक्चर में दिल का कसूर। ओके सर।